This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, very good evening guys, welcome back to our channel Finvest. So, अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, तो please हमारी वीडियो का एंड तक देखिए आपका दिन अच्छा जाएगा, आपके ट्रेडिंग डेज अच्छे जाएंगे, आपको लेवल्स अच्छे लेवल अच्छा मिलेंगे। यहाँ पे इस चैनल पे आपको लेवल्स जो हैं, volatile वो मिलेंगे यानी कि जिनमें प्रॉफिट अच्छा होगा तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सेवन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लेवल्स की तरफ जैसा कि आपने तमनेल में देख ही लिया होगा कि हमारा जो श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन का फाइनेंस का जो हमारा प्रॉफिट था वो हंड्रेड पॉइंट्स के अब चले गया जैसे हमारा टारगेट तो छोटा था बट उसने आज जो आपको प्रॉफिट देखा गया है वो हंड्रेड पॉइंट का लगभग देखे गया है उस चीज को भी हम डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले हम देखिए सेवन जनवरी टू थाउंड ट्वेंटी थ्री जो हमारे लेवल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं यूट्यूब पे जो हमने आपको लेवल्स प्रोवाइड किए थे श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ मास्टेक की मैं बात करूँ इसमें बाई साइड के हमारे तीनों टारगेट प्राइस अचीव हो गए थे और शॉर्ट सेलिंग साइड का एक टारगेट प्राइस अचीव हुआ इन दोनों टारगेट का मैं बताता हूँ कैसे अचीव हुआ चलिए ले चलता हूँ मैं आपको चार्ट पे तो देखिए जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन में हमने एक्जैक्ट यहाँ पे बाय करने के लिए कहा था आपको 1200 पे 1200 पे बाय करने के बाद हमारा टारगेट तो यहाँ पे खत्म हो गया था बट एक्जैक्टली अगर आप देखें तो इसने अपना हाई बनाया है थर्टीन हंड्रेड का यानी कि 1200 से 1300 100 प्लस आपको पॉइंट मिल जाते हैं इसमें हंड्रेड प्लस पॉइंट का आपको इसमें टारगेट देखने को मिल जाता तो आज आपने अगर श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस में इन्वेस्ट किया होगा कंटिन्यूसली ये बढ़ा ही है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में ये बढ़ा ही है तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा जैसा आपने हमारे थंबनेल में देखा यही स्टॉक हमने आपको कल को सजेस्ट किया था डिस्क्रिप्शन में आपको आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस का जो हमारा लेवल था क्या लेवल्स थे और कैसा परफॉर्म किया तो चलिए दूसरा जो हमारा लेवल था वो मास्टेक का था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें कैसे परफॉर्म करेगा तो चलिए मास्टेक के लेवल्स की तरफ एक बार हम देख लेते हैं इसका अगर हम मूविंग एवरेज देखें आज का तो ये खास नहीं था बट चलिए चार्ट में देख लेते हैं सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे इसने पहले एक गैप अप ओपन हुआ गैप अप ओपन होने के बाद हमारी जो कंडीशन है बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में एक मिनट का होल्ड वो इसने फुलफिल किया उसके बाद इसने क्या करा हमारा जो शॉर्ट सेलिंग साइड का एक पहला ही टारगेट प्राइस अचीव कर पाया अब इसमें दो कंडीशंस हैं पहली अगर आपने जो है इस बेस पे यहाँ पे शॉर्ट सेल किया था और आपने ये टारगेट पे बाहर नहीं निकले तो आपका ऐसे लेट हुआ होगा इसके बाद पूरा सुनिएगा एस एल हिट हुआ होगा फिर आपका बाय साइड के आपके तीनों टारगेट प्राइस यहाँ पे आके अचीव हो गए होंगे इजीली यहाँ पे आपका शॉर्ट सेलिंग का जो एस एल हिट हुआ था वो रिकवर हुआ होगा यहाँ के बाद जब यहाँ से आपका शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट हुआ दोबारा तो आपको तीनों टारगेट प्राइस ईजिली अचीव होकर मिल गए थे अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया था चांस तो यहाँ पर आपका लॉस कवर होकर प्रॉफिट में भी आ गए थे और बाय साइड का प्रॉफिट उसमें ऐड कर लो तो यही चीज़ होती है दोनों साइड की मूवमेंट मैं इसीलिए देता हूँ हमेशा दोनों साइड के लेवल ताकि आप दोनों साइड प्रॉफिट कमाएँ थर्टी पॉइंट्स इधर थर्टी पॉइंट्स इधर यानी कि कुल मिला के सिक्सटी पॉइंट का आप प्रॉफिट कमा ले मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको कि सिक्सटी पॉइंट्स मान लीजिए फोर्टी या ट्वेंटी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं है अगर आपके इन्वेस्टमेंट अगर हंड्रेड भी है हंड्रेड शेयर्स भी बाय करते हैं और आपको फोर्टी पॉइंट मिल जाते हैं तो आप लगा लीजिए आपको क्या कितना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है बट ठीक है अब हम बात कर लेते हैं बाकी के दो लेवल्स की एस कार्ड हमारा ट्रेड नहीं हो पाई क्यों नहीं हो पाई ये चीज़ आपको पता होगी स्टॉक जो था गैप अप ओपन हो चुका था जो हम उसके बाद इसने मूवमेंट दी जो हमारे किसी काम की नहीं थी दूसरी चीज ये है कि हमारे पी में देखिए अगर मैंने आपको अगर आप कल की वीडियो आपने हमारी देखी होगी तो आपको उसमें पता होगा मैंने कहा था पहला टारगेट प्राइस में स्मॉल देता हूँ क्यों देता हूँ वो रीज़न आज आपको समझ आ गया होगा अपने न्यू ईयर्स को भी एक बार मैं पी का चार्ट देख के बता देता हूँ सबसे तो पहले तो ये बता दूँ ये जो स्टॉक थे मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिए थे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा मॉर्निंग में दो कॉल्स में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ पी वी आर का चार्ट मैंने आपके लिए खोल दिया देखिए वैसे तो इसने मूवमेंट ठीक दी ठीक दी गैप बस ये गैप डाउन ओपन हो गया था स्टॉक जो था ओपन यहाँ हुआ था हमारी बाइंग प्राइस इसके यहाँ के लगभग थी रफली आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको यहीं पे थी और ये जो इसने हाई बनाया इसमें हमारा एक टारगेट प्राइस ईजिली अचीव हो गया था फिर यहाँ पे इसने हमारा शॉर्ट सेलिंग प्राइस थी शॉर्ट सेल किया और यहाँ पर हमारा जो है टारगेट ईजिली अचीव हो गया था ठीक है मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि कैसे स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है वेट करना है टेन ए एम तक अगर बड़ा स्टॉक है जैसे कि पी वी आर से बड़ा स्टॉक है तो आप क्या करेंगे वेट करेंगे इलेवन एम तक 11 बजे तक आप वेट कर सकते हैं गैप के रिफिल होने का रिफिल कैसे होगा जैसे मान लीजिए ये बाइंग प्राइस दी है ये शॉर्ट सेलिंग प्राइस मैंने दी है स्टॉक ओपन हुआ है गैप अप ओपन हुआ है या फिर गैप डाउन ओपन हुआ है दोनों दो में से एक चीज़ भी तो आप क्या करेंगे वेट करेंगे उसके गैप रिफिल होने का गैप रिफिल कैसे होगा ये जो स्टॉक है यहाँ से नीचे आएगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में एक मिनट का होल्ड लेगा फिर दोबारा जब बढ़ेगा तब आप उसे बाय करेंगे इसी का उल्टा होगा गैप डाउन ओपन होगा जैसे कि यहाँ हुआ गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आया एक मिनट का होल्ड लिया फिर दोबारा जब नीचे आया तब आप इसे यहाँ पे शॉर्ट सेल किया आपने यहां पे इसे बाय किया तो एक मिनट का होल्ड ये यह, यहाँ पे बीच में देखने को मिला आपको एक मिनट का होल्ड यहाँ पे आपका टारगेट यहाँ पे दोनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए एक मिनट होल के होल्ड के बाद तो इसीलिए टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल देता हूँ कि अगर स्टॉक गैप अप ओपन हो जाए तो भी आपको अच्छा मूवमेंट मिल जाए सॉरी अच्छा मूवमेंट नहीं मतलब कि आप प्रॉफिट में निकलें कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा के निकले तो उसी के तहत हमें ईजिली अचीव हो गया था तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी एट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की कॉल्स की तरफ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो बाला माइंस का जो स्टॉक्स है ये काफ़ी दिनों से काफी अच्छी मूवमेंट दे रहा है तो इस स्टॉक में आप अगर ये स्टॉक कल मूवमेंट देगा तो आपको काफी अच्छी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है वॉलेटाइल स्टॉक है थोड़ा केयरफुल रही जो इसका हमारा जो स्टॉप लॉस है ये फिफ्टीन पॉइंट्स का लगभग है क्योंकि ये स्टॉक जो है बहुत वॉलेटाइल हो चुका है तो इसमें देखिए आप बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा वन वन सेवन फाइव का यानी कि वन वन सेवन फाइव पॉइंट वन जीरो जब हो जाएगा मैं बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखिएगा वन वन सेवन फाइव पॉइंट वन जीरो यानी कि वन वन सेवन फाइव से ऊपर चल जाएगी वैल्यू तब आप इसे बाय कर लेंगे स्टॉप लॉस रहेगा वन वन सिक्स जीरो का टारगेट रहेगा वन वन एट टू ट्वेल्व हंड्रेड और ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी का ये स्टॉक काफी अच्छा मूवमेंट आपको दे देगा मैक्सिमम रीच में खींचने की कोशिश कर रहा हूँ इसे कि आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट अच्छा हो इससे भी ऊपर जा सकता है हो सकता है सेकंड टारगेट प्राइस के ऊपर हल्का ऊपर चल जाए तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टारगेट प्राइस के बाद आपको स्टॉप लॉस ट्रायल करना है जैसे वन वन और एक और चीज़ मैं आपको समझा दू जो स्टॉप लॉस है वन वन पे इस स्टॉप लॉस का ब्रेक कैसे होगा मतलब कि ये जो स्टॉप लॉस है हिट कब मानेंगे जब वन जब हो जाएगा पॉइंट या फिर पॉइंट फाइव पे अपना ऐसे लेट लगाइए ताकि जो वन वन सिक्स जीरो से जब नीचे जाएगी वैल्यू तभी आपका ऐसा हिट हो वन वन सिक्स जीरो पे एक्ट अपना ऐसा हिट मत मानिएगा क्योंकि कभी कई बार ऐसा होता है से आके इस लेवल पर आके जो है स्टॉक बढ़ जाता है तो so ये बात ध्यान रखिएगा टारगेट मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट सेलिंग का लेवल मैंने आपको बता दिया है वन वन फाई वाई फाई वाई का आपका शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा का टारगेट रहेगा पहला टारगेट मैं स्मॉल देता हूँ आपको पी में मैंने समझाया देखिए स्टॉक गैप अप ओपन होने के बाद दोनों साइड के आपको एक एक टारगेट होकर मिल गए टेन पॉइंट्स उसमें मिल गए थे तो टारगेट रहेगा आपका वन का स्टॉप लॉस रहेगा वन का और दूसरा तो टारगेट रहेगा आपका वन का वन वन थ्री फाइव का और वन वन टू जीरो का ध्यान रखिएगा ये स्टॉक जो है ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा है तो अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं इसमें ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सा होल्ड करने की सोचेगा जब ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा होगा ऐसा नहीं कि ये घट रहा है और आप होल्ड ले रहे हैं ऐसा नहीं कंटिन्यूसली बढ़ रहा होगा हल्की से ये मूवमेंट देगा बट कंटिन्यूअसली अगर बढ़ रहा होगा तो होल्ड करके रखिएगा आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा जैसे कि श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस ओनली एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनको पता है कब मूवमेंट चेंज हो रही है और कब नहीं जो अभी बिगनियर हैं या फिर छः महीने तक ट्रेड किया है पर इतना नॉलेज नहीं कि कब जो स्टॉक है वो पलट जाए तो प्लीज़ आप टारगेट के बीच में ही अपना प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से बाहर आ जाइए इसके बाद वेट मत कीजिएगा जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो होल्ड करके रखिएगा जब अगर स्टॉक मूवमेंट अच्छी दे रहा होगा और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपको हमारा व्हाट्सए नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हम मॉर्निंग में लेवल्स प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सअप पे तो आपको 500 की रेंज में अगर स्टॉक्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मैं आपसे बात कर लूँगा डिटेल हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आपको मॉर्निंग में मैं लेवल्स प्रोवाइड कर दूंगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप ज्वाइन कर लीजिए सॉरी हमें कांटेक्ट कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा दो यूट्यूब पे करता हूँ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा इसमें भी एज यूजल दोनों मैंने आपको बाय और शॉर्ट सेलिंग का बता दिया हर जगह लेवल ब्रेकआउट होगा तो अब जो ये लेवल दिया है इसका ब्रेकआउट होने के बाद वन 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 जीरो का जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा आप बाय करेंगे वन वन जीरो जीरो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वन 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 फाइव वन वन टू फाइव वन वन थ्री फाइव का आपका टारगेट रहेगा शॉर्ट सेलिंग शॉर्ट सेलिंग का जो आपका लेवल रहेगा वो रहेगा वन जीरो नाइन एट का स्टॉप लॉस रहेगा वन वन जीरो एट का टारगेट रहेगा वन जीरो नाइन थ्री वन जीरो एट टू वन जीरो सेवन फाइव का ध्यान रखेंगे लेवल ब्रेकआउट होना है स्टॉप लॉस कैसे लगाना है मैंने बता दिया है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा कॉन्टैक्ट कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी उसी के बगल में मिल जाएगा आप ज्वाइन हो जाइएगा मॉर्निंग में दो कॉल्स में पर प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ